नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी का फॉर्म चालू है और इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी सबसे ज्यादा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, पहली बात तो फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां आप लोग कर रहे हो, दूसरी बात यह है कि परीक्षा तिथि कब हो सकती है, ये एक दिमाग में है कि हाई कोर्ट का जो हमेशा से रहा है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो पेपर बहुत जल्द करवाता है, तो इसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान हो और इसको दिमाग में रखते हुए तैयारी कैसे करनी है, तो तमाम सारी चीजों का मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। सबसे पहली बात बच्चों की परीक्षा तिथि जो आपका दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन सर परीक्षा तिथि कब हो सकती है, तो देखो अभी तो फॉर्म फिलिंग चालू है, फॉर्म भरने में इसने समय बहुत कम दिया है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद से लेके एग्जाम के बीच में मिनिमम 45 दिन आपको समय मिलता है, तो ये मान के चलो कि आपका पूरा नवंबर निकल जाएगा, पूरा दिसंबर चल जाएगा, ये कितना भी जल्दी करवा लेगा तो जनवरी से पहले आपका एग्जाम नहीं करवा पाएगा। तो अभी अगर ये नियरेस्ट, जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आता है, तब तक हम ये मान के चलेंगे जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, एक्सपेक्टेड जो डेट हो सकती है वो क्या हो सकती है, हम जनवरी फरवरी को लेके चलेंगे, जनवरी और फरवरी इन दोनों महीने में से किसी एक महीने में अलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो ग्रुप सी और डी के पेपर हो सकते हैं। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या सभी के एक पेपर होंगे या सभी के अलग अलग होंगे, तो बच्चों वो साफ साफ उसमें लिखा भी है कि जब आप एक से ज्यादा अन्य पद के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक से ज्यादा फॉर्म भरने पड़ेंगे, सबके लिए फीस अलग अलग सबमिट करनी पड़ेगी। तो फीस आप ऐसे तो अलग अलग सबमिट नहीं कर रहे हो, फीस सबमिट अलग अलग क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपसे वो खर्चा निकाल रहे हैं जो पेपर ऊपर कंडक्ट कराएंगे, ऑफलाइन पेपर भी होना है, तो सभी का पेपर अलग होगा। कुल मिला के चार पेपर होंगे, एक स्टेनो का पेपर होगा, ग्रुप सी में दो पेपर है, एक आपका क्या है ग्रुप सी आपका जो जूनियर असिस्टेंट वाला है और दूसरा आपका जो है कौन सा ड्राइवर वाला है, और ग्रुप डी का पेपर अलग होगा क्योंकि तीनों की एलिजिबिलिटी भी अलग है। स्टेनो में अगर बात किया जाए तो स्टेनो में क्या है, स्टेनो में आपका ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रुप सी में आपका इंटरमीडिएट मांगा है और डी में कुछ पद हाई स्कूल के, कुछ पद छठवें के, कुछ पद आठवीं के मांगा है। अच्छा, फॉर्म भरने में क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जो केवल ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें जैसे कुछ ऐसे जैसे प्रोसेसर वाला फॉर्म है ना प्रोसेस का, उसमें छठवां और आठवां केवल मांगा है। अब होता क्या है कि छठवीं और आठवीं की मार्कशीट जल्दी बच्चों के पास इकट्ठा रहती रही है, तो वो उस समय परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे पास मार्कशीट नहीं, मैं मार्कशीट कौन सी अपलोड कर दूं। बच्चों आपके पास दसवीं की मार्कशीट तो सेफ रहती है, आप सभी में दसवीं की मार्कशीट अपलोड कर दो, वहां पर पूछेगा कि आप छठवीं पास हो, आप एलिजिबिलिटी है, बोलो यस, उसके बाद मार्कशीट अपलोड करने बोले तो आप वहां पर दसवीं की मार्कशीट अपलोड कर दो। अगर आप दसवीं पास हो तो यह अंडरस्टूड है कि आप छठवीं और आठवीं पास करके आए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों इंसान ही बैठते हैं, कोई वहां पे दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं होते हैं, ना ही कोई इतना कंप्यूटराइज्ड होता है, वो भी इतनी बात को समझते हैं, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप दसवीं की मार्कशीट दिखाओगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि छठवीं और आठवीं की मार्कशीट दिखाने के लिए ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बोल लो। स्टेनो वाले बच्चे के लिए क्योंकि ये स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर मैं अभी का स्टेनो का बनवा लूं तो हो जाएगा, मैं इतना बोलूंगा बच्चों कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले डेट का स्टेनो आपका कंप्लीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बना होना चाहिए, कोई भी संस्था जो रजिस्टर्ड है आप वहां से बनवा सकते हो, सेफ है, वो केवल एकमात्र सर्टिफिकेट चाहता है, वो कोई आपका एलिजिबिलिटी नहीं है, ये बात समझना, वो सर्टिफिकेट देखेगा शायद उस पर उतना गौर भी नहीं करेंगे, एक बार आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है कोई जांच नहीं होगी कि आप कहां से बनवाए हो, क्योंकि आपका स्टेनो का तो टेस्ट आप करवा ही रहे ना, आप स्टेनो के टेस्ट में पॉसिबल हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो ना हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, ये केवल एक फॉर्मेलिटी है, तो स्टेनो के सर्टिफिकेट के लिए मत परेशान मत हो। कोई भी जो ISO सर्टिफाइड संस्था हो, कोई भी जो रजिस्टर्ड संस्था हो, उससे जाके चाहे कुछ रुपए उसे देने पड़े, 500, 1000, 1500 देने पड़े, वहां पे जाके बनवा लो, कोई यहां पे फेक और रियल सर्टिफिकेट का सीन नहीं है, ये आपको सहूलियत दी गई है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं है जो यहां पे कुछ दिक्कत होगी। ग्रुप सी के लिए जैसे उसने मांगा है तो वो आपके पास होना ही चाहिए, बाकी सारी चीजें अगर आपके पास कोई समस्या होती है तो आप मुझे नंबर पर कॉल कर सकते हो जो नीचे चल रहे हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हो, उसका भी उत्तर मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको देने का प्रयास करूंगा, हर कमेंट का आपका रिप्लाई जाता है। टीम परीक्षा प्लस में यही सबसे अच्छी बात है कि हर चीज को बहुत बैलेंस लेके चलती है, वो चाहे आपकी तैयारी की बात हो, वो चाहे आपके कम्युनिकेशन की बात हो, वो चाहे आपकी इंफॉर्मेशन की बात हो, या फिर आपको किसी भी स्तर पे मदद करने की बात हो, वो चाहे आयोग से लड़ाई लड़ने की बात हो या फिर आपके साथ धरना प्रदर्शन करने की बात हो, हर समय हर वक्त में टीम परीक्षा प्लस आपके साथ खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। तो
सबसे बड़ी बात है, अब बच्चों जब परीक्षा तिथि मैंने आपको बता दिया कि जनवरी से फरवरी में होगा, इसके मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, फॉर्म भरने में जो गलतियां हैं वो मैंने बता दिया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का क्या उसके समकक्ष होगा कि नहीं होगा, बच्चों पे दो ऑप्शन मांग रहे हैं, यस और नो, आप यस करो उसके बाद फिर आप वहां पे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वहां पे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट तो अपलोड नहीं करवा रहे, आप सीधा यस करो उसके बाद आगे बढ़ जाओ, और अगर करवाता है तो आपके पास जो भी उससे रिलेटेड है वो आप अपलोड कर दो, हालांकि ट्रिपल सी का कुछ नहीं ले रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप यस करके करो बाद में वो आपका सब कुछ एक्सेप्टेड होगा, आप नो करके पहले ही फॉर्म भरने से वंचित क्यों रह जाओ जब इतना कम समय दिया हुआ, और अंतिम समय जो बच्चे अभी आप अलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी करना चाहते हो फॉर्म अभी भर लो, लास्ट टाइम में इसके सर्वर बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं, फिर आप रह जाओगे पछतावा केवल हाथ में रह जाएगा, आसान एग्जाम है इस बार, पद भी बहुत अच्छे हैं, केवल इसमें कठिन एक चीज है वो क्या है, इसका कट ऑफ, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मैं आपको बता दूं 80% आप मिनिमम टारगेट करके लेके चलना, और हाई जाने का कारण ये होता है, ये नहीं कि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, कंपटीशन तो नो डाउट कि बाकी एग्जाम से ज्यादा होता है, भाई अलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी नौकरी होती है ये अपने आप में ड्रीम जॉब होती है, जैसे आर ओ आर ओ आती थी, यहां पे अगर न्यायालय में आर ओ आर ओ हो तो सीधा आप समझ लो जज साहब के संपर्क में हो, आपकी पावर बहुत ज्यादा है, तो ग्रुप सी डी भी कम नहीं होते हैं, ये भी अगर जज साहब की भी कोई गाड़ी चलाता है ना ड्राइवर तो वो भी बहुत ज्यादा उसकी पावर होती है, इतना बात समझना, इस कारण से इस हाई डिमांड में होती है, और हाई डिमांड में होने के कारण क्या होता है इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। दूसरी बात, क्योंकि पेपर जो होता है पेपर का लेवल अभी तक बहुत आसान आता था, पेपर का लेवल बहुत आसान आता था, इस कारण से इसमें क्या होते थे कट ऑफ हाई चले जाते थे, अगर आसान आएगा तो नो डाउट फिर से हाई चला जाएगा, मॉडरेट आएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 80% अभी टारगेट करके चलो, 100 क्वेश्चन केवल आपके पास है, 90 मिनट आपके पास है, 25 25 25 25 चारों बैलेंस हैं, आपको रीजनिंग पढ़ना नहीं है, मैथ्स और इंग्लिश पर जितना मेहनत कर ले जाओगे उतना ही स्कोर आपका बूस्ट हो जाएगा, आपके 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, और 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यही पे यही दोनों टॉपिक दिलाएंगे, बाकी आपका जीएस भी है, और अगर आपका देखा जाए तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपका वो इक्विवेलेंट हो जाएंगी, ये आपका 25 25 25 25 वाला आपका क्या रहेगा क्लियर रहेगा, तो मैथ्स और इंग्लिश इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये बात समझते हुए चलना है आपको, बाकी अगर कोई भी इसके अतिरिक्त कोई आपके प्रश्न हो तो आप नीचे जो नंबर चल रहा है इन पे कॉल करके पता कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हो, पूरा प्रयास किया जाता है कि आपके एक एक कमेंट का जवाब दिया जाए, एक एक कमेंट का हम लोग जवाब देंगे, यदि आप चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो आपका परीक्षा प्लस है अलाहाबाद हाईकोर्ट का डिटेल्ड पूरी हमने इससे पहले आर ओ आर ओ की बहुत बंपर तैयारी करवाई थी, अगर देखा जाए सर्वाधिक सिलेक्शन की बात किया जाए या सर्वाधिक एडमिशन, हालांकि मैं एडमिशन को फोकस नहीं करता, मैं हमेशा सिलेक्शन को फोकस करता हूं, सर्वाधिक सिलेक्शन परीक्षा प्लस ने दिया है, और अब अलाहाबाद हाईकोर्ट सी डी आया है, तो जाहिर सी बात है स्टेनो हो या सी हो या डी हो ये सारी ही चीजों बहुत विधिवत तरीके से तैयारी कराई जाएगी, एक एक चीज आपको चाहे वो नोट्स हो चाहे वो किताब हो चाहे वो आपकी वीडियो लेक्चर्स हो चाहे आपका मार्गदर्शन हो चाहे आपके टेस्ट हो सब कुछ बहुत ही क्वालिटेटिव बहुत विधिवत तरीके से कराई जाएगी, इसका बैच भी चल रहा है मात्र 599 अभी ऑफर प्राइस में है, बाद में ये फीस बढ़ा भी दी जाएगी, तो अभी आप इसमें इनरोल कर सकते हो, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, धन्यवाद सभी का।